अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं बनाने लगी हूं ये उड़द की दाल दाल गोश्त जो है और इसके लिए मैंने लिए है ये उड़द और इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छा बहुत सारे लोग नहीं जानते ये उड़द की दाल क्या होती है ये दरअसल होती है माश की दाल जो होती है वो छिलको वाली जब यह छिलको वाली दाल होती है तो जब यह उड़द की दाल कहलाती है और जब इस और जो बगैर छिलको की होती है वो माश की दाल कहलाती है तो सिर्फ ये फर्क है अच्छा ये पंजाब साइड पर बहुत ज्यादा बनती है और यहाँ मतलब सिंध में इतनी फेमस नहीं है ये और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है उड़द की दाल होती क्या है जब हम किसी से बोलते हैं कि हम उड़द की दाल बना रहे हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि उड़द की दाल क्या होती है तो खैर चले चलते हैं रेसिपी की तरफ मैंने लिया है इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर का पेस्ट गोश्त लिया है मैंने इसके लिए आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा गोश्त है मेरे पास अच्छा टमाटर ये मैंने फ्रीजर से निकाल निकाला है आपको दिखाने के लिए कि मैंने इस साइज के जो है दो टमाटर लिए हैं और जीरा है मेरे पास और ये मैंने ली है हाफ टी स्पून हल्दी टू टेबल स्पून जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और धनिया लिया है मैंने वन टेबल स्पून और नमक भी मैंने वन टेबल स्पून ही लिया है आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं बस ये बहुत से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और प्याज जो है मैंने आपको दिखाई है साइज की मैंने दो प्याज ली है उसको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसका सबसे पहले हम भगाड़ करेंगे प्याज का तो चलें स्टार्ट करते हैं ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को हम ब्राउन करेंगे और प्याज़ हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लें तो फिर उसका टेस्ट जो है बहुत अजीब सा हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज जो है बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं की है बस इस तरह से जब ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अभी और अदरक लहसुन के पेस्ट मैंने डाल दिया है उसके बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे अच्छा मैं इसमें जो है टमाटर का पेस्ट यूज कर रही हूँ आप चाहें तो इसमें आप टमाटर खाली मतलब वैसे भी यूज अच्छा मैं इसके अंदर जो है टमाटर का पेस्ट यूज कर रही हूँ आप चाहे तो इसके अंदर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर पेस्ट ना बनाना चाहें तो वो ऑप्शनल है आपकी मर्जी है अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो नहीं करें उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और मसाले डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे जिससे मसालों की और गोश्त की जो एक हल्की सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको ढक कर रख देंगे इसको जो है हमने इतना ढक के इतना रखना है कि ये गोश्त जो हमारा है हमारा गल जाए तो अब मैंने इसको ढक कर रख दिया है और अब मेरा गोश्त गल चुका है मैं इसमें थोड़ थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी इसकी दो तीन दफा भुनाई करूंगी ताकि अच्छी तरह से भुन जाए क्योंकि गोश्त जितना अच्छा भुना हुआ हो तो उतनी अच्छी इसकी तो उतनी अच्छी इसकी डिश बनती है गोश्त की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है अब ये मेरे पास आ गए है और जो मैंने इसको कुकर में बॉइल किया है आप चाहे अच्छा मैंने इसको बॉईल नहीं किया मैंने इसको पकाया है उड़द को हमें गलाना है मतलब बहुत अच्छी तरह से हमने उड़द को गलाना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से घोट लेना है तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हम हलीम के लिए घोट ना दाल को इस तरह से हमने इसको घोटना है और उसके बाद हमने इसमें सारा जो हमारा मसाला था जो बहुत अच्छी तरह से हमने पका लिया था उसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है तो मैं ये सारा मसाला इसके अंदर निकाल रही हूँ और मैंने सारा मसाला इसके अंदर निकाल लिया था उसके बाद भी थोड़ा बहुत मसाला जो है वो लगा रह जाता है देखची में तो उसको मैंने पान... तो उसको मैंने पानी डाल के निकाल लिया है ताकि सारा मसाला जो है वो निकल जाए क्योंकि फिर सारा उसका टेस्ट ही मसाले से आता है और ये मैं सारा मसाला जो है डाल रही हूँ दाल के अंदर और आप देख सकते हैं काफी सारा मसाला था जो रह गया था देखती हुए तो बस मैं इसको इसमें पानी भी डालूंगी अभी अब मैंने इसमें था काफी सारा पानी डालूंगी जिससे ये होगा कि दाल और ये गोश्त जो है अच्छी तरह से पक जाएगा गोश्त तो मैंने पहले ही गला लिया था दाल भी मैंने पहले गला ली थी पर पानी डालने से ये होगा कि ये नीचे लगेगी नहीं क्योंकि हमें इसे अभी कुकर में पकाना है थोड़ा सा और कुकर पकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी पानी जो है वो मैंने डाला है तीन कप तो बस अब हम इसको कुकर लगा के रख देंगे और अगर आप चाहें तो आप इसे बगैर कुकर के भी पका सकते हैं पर कुकर से ये होगा कि जल्दी पक जाएगा जितनी देर में ये पकेगा उतनी देर में मैं अपना हरा मसाला काट लेती हूँ उसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चे अच्छा इसमें हरा मसाला जो है थोड़ा सा ज्यादा जाता है और मतलब जो हम रेगुलर खाने बनाते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर जाता है इससे इसका टेस्ट बहुत मजे का आता है तो मैंने काफी सारा हरा धनिया और पुदीना लिया है और मैंने इसके लिए चार से पांच हरी मिर्चें ली हैं वो भी मैंने काट के इसके अंदर डाल दी है अब मैं इसके अंदर हरा मसाला डालूंगी और जब हरा मसाला डालने के बाद बिल्कुल आखिर में हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी मजेदार है। रेडी हो गई है अब हम इस पर लगाएंगे तड़का तो उसके लिए मैंने लिया है घी और इसके अंदर जाएगा साबुत गोल वाली लाल मिर्च होती है इसके अंदर लाल मिर्च का देखे डाल दी है लाल मिर्च को और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसको हमने थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा इसका उसके बाद हम इसको डाल देंगे दाल के अंदर और ये मैंने इसके ऊपर तड़का लगा दिया है अब हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है चले उसको सर्व करते हैं डिश आउट करते हैं तो आप सब भी ये वाली दाल जरूर ट्राई करिएगा गए बहुत ही लजीज बनती है और ये आखिर में मैं इसमें गर्म मसाला डाल रही हूँ उसके ऊपर से हमने इसके ऊपर हरा मसाला डालना है और दाल हमारी रेडी हो चुकी है इसको आप चाहे तो चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आप होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज